अलमारी है कि यह साड़ी का गोडाउन है? कितनी साड़ी है तेरे पास? 120। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। 120। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तो रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? जब पहली जनवरी को साड़ी पहनी हो तो पहली मई से वापस चालू 4 महीने तक, फिर मई जून जुलाई अगस्त, हाँ फिर सितंबर से वापस 4 महीने के लिए, वही सब साड़ियाँ पहनने की, और क्या? नहीं, ऐसे रैपिड नहीं कर सकता। क्यों? क्यों क्या? आपको पता नहीं है लेडीज लोगों को सब याद रहता है। दया। बोलो टप्पू के पापा। गीजर रिपेयर हो गया? हाँ, वो मैंने टप्पू को भेजा था अब्दुल को बुलाने के लिए, पर अब्दुल तो वहाँ पर नहीं था। पर जब मैं टुवाल सुखाने के लिए बालकनी में गई तो अब्दुल तो सामने ही खड़ा था, तो मैंने अब्दुल को कहा, ओ अब्दुल, अरे गीजर खराब हो गया है, ठीक करने के लिए आ जाना। और तभी मुझे याद आया कि मेरा लाल दंत मंजन भी खलास हो गया है, तो मैंने अब्दुल को चिल्ला कर बोला, ओ अब्दुल। अरे तुम्हारा लाल पीला दंत मंजन की बात छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। चुप। तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। पहले सवाल तो पूछो। गीजर रिपेयर हो गया? सॉरी मैम, थोड़ा तेल गरम करके आपके कान में डाल दूं? तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। कहते दिमाग में तेल डालो, मतलब उनको पता है कि मेरे पास दिमाग है, फिर पहले पूछा क्यों तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ? ना ही किसी के साथ फोन पर बात करूंगी, यहाँ तक कि मेरी माँ के साथ भी नहीं। और हाँ, ना ही आपको बालकनी से आवाज दूंगी। नहीं बोलूंगी करके कितना बोल गई। लेकिन बहू। मम्मी, बापूजी, आप और टप्पू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बनना। हे माँ, माताजी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी प्रतिज्ञा में अटल रहूं। बहू। मम्मी। बहू मेरी बात सुन। मम्मी। बहू। अरे वाह दया, वाह क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए तुमने, मजा आ गया, अब इस घर में शांति शांति होगी। अरे माँ रहते घर माँ एक बार आवजो, ए माँ तो हम। माँ जी, टप्पू के पापा ने बाघा भाई को दुकान से निकल दिया। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, इसे थोड़ी वो निकाल सकते हैं। क्या? हाँ दया बोल, क्या है? क्या सुन रही हूँ? दया मैं हिमालय में बैठा कोई अंतर्यामी योगी नहीं हूँ, जो यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चल जाएगा कि तू क्या सुन रही है। देखिए टप्पू के पापा बबीता जी मेरे पास ही खड़े हैं और उन्होंने मुझे सब बता दिया है। क्या क्या बता दिया? ये आपने अच्छा नहीं किया टप्पू के पापा। क्या क्या अच्छा नहीं किया? अरे बाघा भाई को दुकान से क्यों निकाल दिया? दया मैं तेरे रसोड़े के मामले में कभी दखल देता हूँ? तो फिर तू मेरे दुकान के मामले में क्यों दखल दे रही है? देखिए मैं आपके दुकान के मामले में दखल नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपने बाघा भाई को दुकान से निकल दिया है तो अय्यर भाई का लैपटॉप रिपेयर कौन करेगा?